सुरती विश्वास फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। आज का टॉपिक है एनआईटी राउरकेला के ऊपर। इससे पहले मैंने एनआईटी त्रिची के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन और नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज का वीडियो है एनआईटी राउरकेला के ऊपर। तो राउरकेला के ऊपर हम बोलने से पहले क्या क्या बोलने वाले बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कॉलेज का रिव्यूज देंगे, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बोलेंगे कितना कितना है, कॉलेज का हॉस्टल फैसिलिटीज क्या क्या है, कॉलेज का फैसिलिटीज क्या क्या है, और कॉलेज का हर एक ब्रांच का कितना कितना एवरेज पैकेज है, कितना कितना हाईएस्ट पैकेज गया है 2019 का, और कॉलेज का एनआरएफ रैंक, और पूरा डिटेल वीडियो है होगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। पर मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है एनआईटी राउरकेला के बारे में पूरा डिटेल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला ये एक बहुत ही रिपुटेड कॉलेज है। तो ये कॉलेज 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। 647 एकड़ कैंपस साइज है। तो समझ सकते हैं 647 एकड़ मतलब आप समझ सकते बहुत बड़ा कैंपस है। आप लोगों को पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है इस कॉलेज को, अगर मिलता है तो आप लोगों को पूरा एक्सपोजर मिलने वाला है। उसके बाद एक कॉलेज है राउरकेला उड़ीसा में है, और इसका कनेक्टिविटी देख लीजिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची 161 किलोमीटर दूर है राउरकेला कॉलेज से और एनआईटी राउरकेला कैंपस से, और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है 336 किलोमीटर दूर है एनआईटी राउरकेला कैंपस से, और राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन है आप लोगों का 7 किलोमीटर दूर है कैंपस से। उसके बाद कॉलेज का फैसिलिटीज जो जो मिलता है लगभग हर एनआईटीज में ही मिलता है। तो आप लोगों का कॉलेज फैसिलिटीज, बैंक्स का फैसिलिटीज है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, कैंटीन है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज है, और मेडिकल का अच्छा फैसिलिटीज है। तो इस साल 2020 में आप लोग देख सकते हैं एनआरएफ रैंक कितना गया। एनआरएफ रैंक सबको जानना रहता है कि कितना गया है एनआरएफ रैंक। एनआरएफ रैंक देख सकते हैं आप लोग, ओवरऑल रैंकिंग आप लोगों का 32 गया है एनआईटी राउरकेला का, और इंजीनियरिंग का रैंकिंग गया है 16। और तो बहुत अच्छा रैंकिंग देख सकते हैं आप लोग, देख ही सकते 16 इंजीनियरिंग का रैंकिंग मतलब बहुत अच्छा रैंकिंग है कॉलेज का। अब इसका एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन आप लोगों का टोटली बेस्ड ऑन जेईई मेंस का स्कोर और जोसा, उसके बाद जोसा काउंसलिंग और सीसैप की काउंसलिंग से होता है। जोसा के बाद सीसैप का काउंसलिंग से होता है अगर सीट खाली हुआ तो। उसके बाद आप लोगों का आता है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर मैं डिटेल में बोलता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, आप लोगों का कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल 10,000 रुपीज है, ये वन टाइम रिफंडेबल है। उसके बाद वन टाइम फीस आप लोग का 15,000 है। ट्यूशन फीस पर सेमिस्टर 62,500 है, और उसके बाद हॉस्टल सीट रेंट आप लोगों को पर सेमिस्टर 5,000 रुपीज देना पड़ेगा। हॉस्टल का फीस है, हॉस्टल सीट रेंट आप लोगों का 5,000 पर सेमिस्टर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का अदर फीस पर सेमिस्टर 14,000 देना पड़ेगा, और आप लोगों का मेस का जो फीस है एडवांस पर सेमिस्टर देना पड़ेगा रुपीज 17,500, टोटल मिला के 1,24,000। तो इसमें से आप लोगों का जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उन लोगों को ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा, उन लोगों को 62,500 जो ट्यूशन फीस है वो नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में पढ़ते हैं और उन लोगों का फैमिली एनुअल इनकम 1,00,000 से कम है, 1,00,000 से कम है, उन लोगों को ये ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा। उन लोगों को भी एससी एसटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ट्यूशन फीस माफ होगा उन लोगों के लिए। और जिन लोगों का एनुअल इनकम 1,00,000 से तो ज्यादा है पर 5,00,000 से कम है तो, और जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है तो उन लोगों के लिए 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। और जिन लोगों का 5,00,000 से ज्यादा है और जनरल और ओबीसी है उन लोगों को पूरा फीस देना पड़ेगा। ये है आप लोगों का टोटल डिटेल है एनआईटी राउरकेला के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे हर एक ब्रांच के ऊपर, कितना कितना ब्रांच है और कितना कितना आप लोगों का एवरेज पैकेज गया था और हाईएस्ट पैकेज गया था, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं एनआईटी राउरकेला का हर एक ब्रांचेस का एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज 2019 का स्टैटिस्टिक्स लेके बात करेंगे। जितना भी 2019 का गया था हाईएस्ट और एवरेज पैकेज वो मैं एक एक करके बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे लास्ट तक देखिए, आप लोगों का पूरा प्लेसमेंट का स्टैट्स पता चल जाएगा 2019 में कितना कितना गया था। तो शुरू करते हैं। पहला जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग का,
इसका जो एवरेज पैकेज गया था 6.26 गया था और हाईएस्ट पैकेज 15.12 गया था, 15.12 एलपीए। सब जब मैं यहाँ पर बोलूंगा सब एलपीए में है, ईयरली इनकम एलपीए में है। उसके बाद सिरामिक इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज गया था 6.21 लाख का और हाईएस्ट पैकेज गया था 11 लाख का। उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का 6.58 गया था एवरेज पैकेज और हाईएस्ट गया था 22 लाख। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का आपका एवरेज पैकेज गया था 5.97 लाख का और हाईएस्ट गया था 11 लाख का। उसके बाद आता है जो सबसे मतलब सबका टारगेट रहता है जो है कंप्यूटर साइंस का, 15.18 लाख का एवरेज पैकेज और हाईएस्ट गया था 42 लाख का। ठीक है, तो यही हाईएस्ट गया था 42 लाख। और इलेक्ट्रिक, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप लोग का एवरेज पैकेज 7.34 लाख गया था 2019 में और आप लोग हाईएस्ट पैकेज 15.08 गया था। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, आप लोगों का एवरेज पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 10.58 लाख गया था और हाईएस्ट गया था 34.22 लाख का। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का आप लोगों का एवरेज पैकेज 6.56 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज गया था 12.40 लाख। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप लोगों का एवरेज पैकेज गया था 6.28 लाख का और हाईएस्ट गया था 10.50 लाख। उसके बाद आता है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का एवरेज गया था 8.12 लाख और हाईएस्ट गया था 17.50 लाख। उसके बाद आप लोगों का आता है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आप लोगों का एवरेज पैकेज जो गया था 8.12 लाख और हाईएस्ट पैकेज जो गया था 17.50 लाख। उसके बाद आता है लास्ट ब्रांच जो माइनिंग ब्रांच है, उसका एवरेज पैकेज गया था 6.49 लाख और हाईएस्ट गया था 10.50 लाख। ये जो मैंने बोला ये टोटल 2019 का स्टैट्स है और बीटेक का, इसमें ड्यूअल डिग्री भी है। अब ड्यूअल डिग्री का हर एक ब्रांच में बोलने वाला हूँ। उसके बाद पहला जो ड्यूअल डिग्री का ब्रांच है सिरामिक इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग में आप लोगों का एवरेज पैकेज जो गया था 7.43 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज गया था 10.50 लाख। उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग का, केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का एवरेज पैकेज 9.43 लाख गया था और हाईएस्ट पैकेज गया था 16.50 लाख। उसके बाद आता है सिविल, सब ड्यूअल डिग्री है, सिविल में आप लोगों का 5.69 लाख गया था एवरेज और हाईएस्ट गया था 8 लाख। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का एवरेज ड्यूअल डिग्री में गया था 15.10 लाख एवरेज पैकेज और हाईएस्ट गया था 34.22 लाख। उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 12.09 एवरेज पैकेज गया था और हाईएस्ट गया था 29.16। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, उसका एवरेज पैकेज 24.91 लाख गया था और हाईएस्ट गया था 30 लाख। ये जो मैं बोल रहा हूँ सब ड्यूअल डिग्री का है, उसके पहले मैं जो बोला था वो बीटेक का है। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल का आप लोगों का ड्यूअल डिग्री में 6.13 लाख गया था एवरेज और हाईएस्ट गया था 11.08 लाख। उसके बाद आता है मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, उसमें आप लोगों का एवरेज गया था 6.70 लाख और हाईएस्ट गया था 8 लाख। और उसके बाद लास्ट में आता है माइनिंग, 6.71 लाख गया था ड्यूअल डिग्री में एवरेज और हाईएस्ट गया था 6.80। तो ये है आप लोगों का बीटेक और ड्यूअल डिग्री। इसके बाद इस कॉलेज में आप लोगों का इंटीग्रेटेड एमएससी भी प्रोग्रामिंग का एडमिशन लेता है जोसा के थ्रू। तो इंटीग्रेटेड एमएससी में आप लोगों का टोटल 4 ब्रांचेस है, तो उसका भी मैं एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज मैं नोट किया हूँ, तो उसका मैं एक एक करके बोलूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों का इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री में आप लोगों का एवरेज पैकेज गया था 5.50 लाख और हाईएस्ट पैकेज जो गया था 8 लाख गया था केमिस्ट्री में। उसके बाद आप लोगों का था इंटीग्रेटेड एमएससी लाइफ साइंस में आप लोगों का गया था 5.87 लाख और आप लोगों का हाईएस्ट गया था 7 लाख। उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रेटेड एमएससी का आप लोगों का मैथमेटिक्स में एवरेज गया था 9.87 लाख और हाईएस्ट गया था 30 लाख। और उसके बाद फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में आप लोगों का एवरेज पैकेज गया था 5 लाख और हाईएस्ट गया था 6.40 लाख। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस 2019 का। तो बीटेक का आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो एवरेज पैकेज गया था सारे ब्रांचेस मिला के वो है 9.03 लाख और हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो है 42 लाख कंप्यूटर साइंस में गया था। और ड्यूअल डिग्री में आप लोगों का एवरेज पैकेज जो गया था वो है 11.02
6.92 लैक्स और हाईएस्ट पैकेज 34.22 लैक्स गया था डुअल डिग्री में, वो भी 34.22 लैक्स जो गया था वो कंप्यूटर साइंस का गया था। और आप लोगों का इंटीग्रेटेड एमएससी जो ब्रांच है उसमें आप लोगों का एवरेज गया था सारे ब्रांचेस मिला के 7.33 लैक्स और हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो है मैथमेटिक्स का 30 लैक्स। तो दैट्स ऑल, ये है टोटल एनालिसिस ऑफ एनआईटी राउरकेला ऑफ ऑल द ब्रांचेस अंडर जेई मेंस, जोसा काउंसलिंग एंड सीसैप काउंसलिंग, ये टोटल है। तो अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरा एक मोटिवेशन बढ़ता है, और एक लाइक कर दीजिए। एंड आगे ऐसे वीडियो आता रहेगा हर एक एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आप लोगों का पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। तो थैंक यू।